लेकिन इसके बाद इनकी तारीख में एक दौर वो आया जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम इनमें मबूस किए गए। ये 1400 साल तारीख का क्लाइमेक्स है यहूद की। जब किताब इन्हें दी गई थी तौरात हजरत मूसा के जरिए, वो 1400 कबल मसीह का वाकया है। उस वक्त से लेकर अल्लाह का वो फजल इन पर हुआ कि कोई एक लम्हा ऐसा नहीं आया 1400 बरस में कि उनके यहां कोई ना कोई नबी मौजूद ना हो। ये तार टूटा ही नहीं। दो से शुरू हुआ, मूसा हारून अलैहिस्सलाम, और 1400 बरस के बाद फिर आखिरी दो हैं, ईसा और यहया अलैहिस्सलाम, यूं समझ लीजिए। और इसके दरमियान ये तार है, और इस तार में कोई एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि कोई नबी मौजूद हो। इसमें उतार चढ़ाव बहुत से आए हैं, उसका वो मेरा मौजू नहीं है इस वक्त। कबल मसीह की तारीख जो है वो मेरा मौजू नहीं है। कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल के पहले रुकू में उसका तस्करा मौजूद है। وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, दो मरतबा इन पर अजाब के कोड़े बरसे। पहले अशूरियों के जरिए से, जो शामी थे, सीरियंस अशूरी कहलाते, फिर बाबलियों के जरिए से यानी इराकियों के जरिए से, बेबीलोनिया नाम था इराक का पहले, इन पर बहुत बड़ी बड़ी तबाहियां आई, अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आए। उसके बाद फिर दूसरे दौर में दूसरा इख्तदार का दौर आया, खरबस्तियां बढ़ गई, तो पहले ग्रीक्स के जरिए से, यूनानियों के जरिए से, और फिर रूमियों के जरिए से इन्हें पिसवाया गया। ये दौर गुजर चुके थे इन पर, दो उरूज के दौर और दो जवाल के दौर। मेरी छोटी सी किताब है तंजीम इस्लामी का तारीखी पस मंजर, 6-7 रुपए की होगी, उसको आप देखेंगे तो उसमें उसका पूरा नक्शा आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये कि मेरी जो जरा बड़ी किताब है, साबिका और मौजूदा मुसलमान उम्मतों का माजी हाल और मुस्तकबिल, उसमें मैंने इन पर मामलात पर बड़ी तफसील से बहस की। बहरहाल ये जो दौर था इनका 1400 साल, वो ऊंच नीच से होता हुआ जब आया है हजरत मसीह की बेसत पर, तो इनकी शरारत की इंतहा ये हो गई कि अल्लाह ताला ने मसीह को रसूल बनाकर भेजा, रसूलन इला बनी इसराइल। हजरत मूसा और हजरत ईसा के दरमियान रसूल कोई नहीं है, सब नबी है। हजरत मूसा रसूल थे और हजरत ईसा रसूल है। दरमियान में दाऊद हो, सुलेमान हो, यशिया हो, जकरिया हो, ये सब नबी है, याहिया नबी है, रसूल नहीं है। लिहाजा वो शहीद कर दिए गए, रसूल शहीद नहीं हो सकता, कत्ल नहीं हो सकता। लेकिन ईसा और मूसा के दरमियान 1400 बरस इनके जो है, उसका क्लाइमेक्स है हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की बेसत, और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को जिसे अल्लाह ने अपनी रूह करार दिया, रूह मिन कलिमतुहु अल्काहा इला मरियम, अल्लाह का कलमा, अजीम तरीन मौजज़ात। इन्होंने क्या कहा, ये वलदुस ज़िना है, हरामज़ादा है, माज़ अल्लाह, नकल कुहर कुहर ना बाशा, ये जादूगर है, ये मुर्तद है, ये वाजिबुल कत्ल। असल हुकूमियत उस वक्त रूमियों की थी हुकूमत, लेकिन उन्होंने इन्हें ऑटोनोमी दे रखी थी, अपने मजहबी मामला तुम खुद तय कर सकते हो। तो कायफास जो उस वक्त का इनका हेड रबाई था सबसे बड़ा, उसकी अदालत ने फैसला किया मसीह को सूली चढ़ा दिया जाए। पाइलेटस पॉन्टिस, उसके पास इनके अजदाश पहुंच गए, ये हमारा मुजरिम है मजहबी, ये मुर्तद है, ये काफिर है, ये जादूगर है, ये वाजिबुल कत्ल है, इसे कत्ल कर सूली चढ़ा दो। खैर वो लंबी बात हो जाएगी, उसने तो अपने हाथ धोए थे, साहब हमारे पास कोई जुर्म नहीं है इसके खिलाफ, तुम कहते हो तो ठीक है सूरी चढ़ा देते। ये दूसरी बात है कि अल्लाह ने हजरत मसीह को उठा लिया आसमान पर, उनकी जगह वो शख्स सूली चढ़ा जिसने गद्दारी करके गिरफ्तार करवाया था यूडास इस्करियोट, उसकी शक्ल अल्लाह ने बदल दी हजरत मसीह की सी, और हजरत मसीह को फरिश्ते उठा के ऊपर ले गए, वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। और ये सारी तफासिल न कुरान में है न हदीस में है, ये इंजील में है, लेकिन इंजील कौन सी, बरनबास की इंजील, गॉस्पल ऑफ द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू सेंट बरनबास। ये हवारीयीन मसीह में से थे, लेकिन ईसाई उनको तस्लीम नहीं करते, उनकी बाइबल को सही नहीं मानते, कैनोनिकल नहीं मानते। 100 इंजीलें थी, 104 थी, जिनमें से 4 चुनी है इन्होंने, ये बत्ती और जॉन और मरकस मार्क्स, ये है
तो ये चार इंजीलें हैं इन्होंने तस्लीम किए कि ये कैनोनिकल्स हैं, ये तो हैं हकीकी, बाकी जो हैं 100 उसको वो तस्लीम नहीं करते। उनमें से एक है ये बरनबास, उसमें ये तफसील है कि अल्लाह ताला ने उस शख्स की यूदास की, यहूदा, यूदास उसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी शक्ल बदल दी हजरत मसीह की, इसी वो गिरफ्तार हुआ, वो सूली चढ़ा, वो गद्दार था, गद्दारी की सजा उसे मिलनी थी, वो मिल गई। हजरत मसीह को फरिश्ते चार उठ रहे हैं, जिस कोठड़ी में हजरत मसीह मुकीम थे, एक बाग के अंदर रूपोश थे, उसकी छत फटी है, चार फरिश्ते आए हैं, हजरत मसीह को उठाकर ले गए हैं, छत बराबर हो गई है, उसके बाद वो शख्स पकड़ा गया। बहरहाल हजरत मसीह को अल्लाह ने उठा लिया आसमान। लेकिन वो दिन है कि इस कौम को अब मग़ज़ूब अलैहिम करार दे दिया गया। नोट कर लीजिए, असल में तो होना यह चाहिए था कि रसूल की जान के दर पर जब कोई उम्मत हो जाती थी तो अल्लाह का कायदा यह था कि उस उम्मत को नसीह मनसिया कर दिया जाए। हजरत नूह की कौम को खत्म किया या नहीं, हजरत हूद की निगाहों के सामने कौम आद बर्बाद की गई या नहीं, हजरत सालेह की निगाहों के सामने कौम समूद बर्बाद हुई, यह अल्लाह का कायदा रहा। सदूम और आमूरा की बस्तियां हजरत लूत अलैहिस्सलाम जहां भेजे गए, मदीन का इलाका जहां हजरत शुएब भेजे गए, आले फिरौन जिनकी तरफ मूसा को भेजा गया, सब हलाक कर दिए, क्योंकि रसूलों के बारे में अल्लाह का, नबियों के बारे में ये बात नहीं है। नबी आया, उसने दावत दी, जिसने मान लिया अच्छा किया, अपने लिए अच्छा किया, नहीं माना उसकी अपनी जो है आपत बर्बाद हो गई। दुनिया में कोई फैसला उसका नहीं होता, लेकिन रसूलों का मामला यह होता है कि दुनिया में वो अल्लाह की अदालत बनकर आते हैं, मानोगे तो बचोगे, नहीं मानोगे हलाक हो। तो इस एतबार से वो मुस्तहिक तो हो चुके थे इसके कि उन्हें हलाक कर दिया जाए। अब अल्लाह की कोई खुसूसी मशीयत है, उसमें क्या हिकमत है, वो है एक हिकमत में, मैं बाद में अगर वक्त हुआ तो बताऊंगा। फैसला ये किया अल्लाह ने कि हजरत मसीह को तो उठा लिया जिंदा, और इनकी रस्सी अभी मजीद दराज कर दी कि इनको अभी मोहलत दे दी कि तुम्हें आखिरी इस्तीसाल, जिसको अजाब अकबर कहता है कुरान, सूरह सजदा जो हुजूर हर जुमे की पहली रकत में फजर में पढ़ते थे, वला नुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअन्नहुम यरजिऊन, छोटे छोटे अजाब और एक बड़ा अजाब, जबकि कौम बिल्कुल बर्बाद, नसियम मनसिया, कालम यगनो फीहा, ऐसे हो जाए जैसे कोई थे ही नहीं आबादियां, ला यरा इल्ला मसाकिनहुम, अब उनके मस्कन नजर आते, मकीन नजर नहीं आते। ये अजाब अकबर जो है वो उन पर नहीं आया, हालांकि वो मुस्तहिक हो गए थे उसी वक्त। इसको यूं समझिए कि किसी शख्स को फांसी का हुक्म तो हो जाए, एग्जीक्यूशन नहीं होता है, कई कई साल गुजर जाते हैं पड़े हुए और मामला जो है वो चलते रहते हैं। ये मामला हुआ इसके साथ, वरना ये मुस्तहिक हो चुके थे आखिरी बर्बादी तबाही के अजाब इस्तीसाल, जड़ से काट देने वाला अजाब, वो आ सकता था इन पर उसी वक्त, लेकिन अल्लाह ने इनकी मोहलत दराज की है। लेकिन इसके बाद अल्लाह ने इनको एक और मौका दिया, 600 बरस बाद हजरत मसीह के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, और ये मैं समझता हूं कि इस कौम पर अल्लाह का इतना बड़ा फजल था, इतना बड़ा फजल था, इतना बड़ा फजल था। अब फिर एक मौका दिया, आसा रब्बुकुम अन यरहमकुम वइन उदतुम उदना, देखो अब भी तुम्हें हम एक मौका दे रहे हैं, तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर अब भी फजल करने को तैयार है, रहम फरमाने को तैयार है। इन हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अकवम, इस कुरान के साए में आ जाओ, ये शाहदरा है हिदायत में आने का, इसमें दाखिल हो जाओ, मोहम्मद की तस्दीक करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दामन मोहम्मदी में आ जाओ, अब भी हम तुम्हारे गुनाह बख्श दें। लेकिन नहीं, इस कौम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी की कमर कस ली, और अब यूं समझिए उस तारीख से लेकर आज तक ये गठजोड़ है। जाहिर बात है कि इबलीस का भी असल दुश्मन अब कौन है, या हदफ कौन है, टारगेट कौन है, जिन्होंने मोहम्मद को नहीं माना सल्लल्लाहु, वो तो है ही जहन्नमी, उन पर कोई और मेहनत करने की जरूरत क्या है, समझ गए मेरी बात। हुजूर की बेइज्जत के बाद जिन्हें हुजूर को रद्द कर दिया, उन पर ईमान नहीं लाए, वो कौन है, काफिर, वो जहन्नमी है ही है, लिहाजा उसके ऊपर कोई मेहनत सर्व करने की इबलीस को जरूरत नहीं है। उसका असल टारगेट उम्मत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
वो सारी नौ इंसानी की दुश्मनी अब आकर मरकूज हो गई है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पर। और इसी तरह यहूद का मामला, अगर के वैसे पूरी नौ इंसानी के दुश्मन है, उन्हें हैवान समझते, उनकी जान माल अपने लिए मुबाह समझते हैं, जिस तरह चाहे लूटे खसूटे खाए पिए इन्हें, लेकिन अब उनकी भी दुश्मनी का सबसे बड़ा मरकज उम्मत मोहम्मद। क्यों? वही तकब्बुर और हसद, वही बीमारियां। इन्हें तकब्बुर यह हो गया था कि 2000 साल से यह नबूवत हमारी मीरास, हमारी जागीर, बनो इसराइल के अंदर सैकड़ों नबी आए, तीन तीन किताबें अल्लाह ने हमें अता की, ये कहां से आ गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, ये उम्मीद में से, ये जेंटाइल्स में से, ये गोयल्स में से, ये हकीर अनपढ़, कहां हम कहां ये, नहीं तस्लीम करेंगे। हालांकि कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहु, उनके उलमा ऐसे पहचानते थे हुजूर को जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं कि ये आखिरी नबी है, लेकिन तकब्बुर और हसद की आग में जल उठे। अब उनके भी दुश्मनी किससे है? मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गठजोड़ है। अब देखिए, ये है मेरी गुफ्तगु का, अब तक की गुफ्तगु का हासिल, ये गठजोड़, एक गैर मरई दुनिया, इनविजिबल दुनिया का इबलीस लईन और जिन्नात में से उसके लश्करी फौज, इंसानों में से वैसे तो और भी बहुत जगह उसके एजेंट है, मुसलमानों में भी है, लेकिन बहसियत कौम, बहसियत मजमुई, एक पूरी कौम, एक पूरी नस्ल जो है उसके साथ गठजोड़ है। इन दोनों की गठजोड़ी के साथ ये दुश्मन दोन है इंसानियत के, पहला दुश्मन इबलीस लईन, अजाजील लईन, और दूसरे दुश्मन यहूद मलऊन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु